जी हिंदुस्तान पर साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। इमरान सरकार की बात हम करेंगे, लेकिन उसके पहले महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से देश विरोधी बयान दिया है। वो बयान आपको हम बता दें, राज्य के युवाओं को बंदूक उठाने के लिए महबूबा मुफ्ती उकसा रही है। महबूबा ने कहा है, नौकरी ना मिलने पर नौजवान बंदूक उठा रहे, आग लगाने की कोशिश, पूरी घाटी के अंदर आग लगाने की कोशिश, राष्ट्र विरोधी बयान ये महबूबा मुफ्ती का सामने आया है। नजरबंदी से अभी हाल ही में रिहा हुई है महबूबा मुफ्ती, लेकिन जब से बाहर आई है जहर उगल रही है। एक बार फिर से कश्मीर के घाटी के युवाओं को उकसाने की कोशिश का है, नौकरी ना मिलने पर नौजवान बंदूक उठा ले, महबूबा मुफ्ती का ये देश विरोधी बयान। कहा क्या है महबूबा मुफ्ती ने, वो भी सुनाते हैं आपको। क्योंकि आपने जो एक आवाज थी, तमाम आवाजों को बंद कर दिया है, आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊं तो मैं मर जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है जेल जाने से, क्योंकि बात नहीं करने देते आप किसी को। तो एक तरफ तो भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि घाटी के अंदर अमन, शांति, चैन और विकास आए, और वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि कोई रास्ता नहीं बचा है, घाटी के युवाओं के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। और ये अपील भी कर डाली, लगे हाथ ये अपील कर डाली कि नौकरी ना मिले तो हाथ में बंदूक उठा लो, घाटी को जलाने की क्या ये कोशिश है। फिर से सुनिए और ध्यान से सुनिए क्या कहा है महबूबा मुफ्ती ने। क्योंकि आपने जो एक आवाज थी, तमाम आवाजों को बंद कर दिया है, आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊं तो मैं मर जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है जेल जाने से, क्योंकि बात नहीं करने देते आप किसी को। तो बयान ये महबूबा मुफ्ती का आपने सुना। मेरी सहयोगी न्यूज रूम से लक्ष्मी उपाध्याय इस वक्त जुड़े हैं, तो सीधा हम उनका रख कर लेते हैं। लक्ष्मी, महबूबा मुफ्ती नजरबंदी से अभी रिहा हुई है, लेकिन लगता नहीं है कि आकलन ठिकाने आई है उनके। बिल्कुल सही कहा शालिनी, देखिए घाटी में किस तरीके से शांति को नहीं बचा पा रही है महबूबा, युवाओं को भड़काया जा रहा है, घाटी का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, इशारों के जरिए किस तरीके से घाटी की फिजा में जहर घोलने की कोशिश कर रही है महबूबा, इस बात के संकेत उनकी भाषा, उनकी बोली, उनकी जुबान साफ दे रही है। इससे पहले तिरंगा उठाने से परहेज करती हैं और इस बार कहती हैं कि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो हथियार उठा लीजिए। सीधे तौर पर शांति घाटी की नहीं पच रही है महबूबा मुफ्ती को, अपनी जागीर समझने वाले कश्मीर को जब हाथ से वो जागीर निकल गई है तो अब उनको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, और इसीलिए वहां के युवाओं को भड़काने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। शालिनी इससे पहले भी ऐसे बयान दे चुकी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ब्रह्म शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। ब्रह्म शुक्ला जी, महबूबा मुफ्ती का यह बयान कैसे समझा जाए, हथियार उठा लेंगे युवा नौकरी नहीं मिलेगी तो? महबूबा मुफ्ती राष्ट्रद्रोह पर आमादा है और उनकी हताशा, कुंठा, राजनीतिक विफलता यह उनके बयान से स्पष्टता से दिखाई दे रही है। रोजगार अगर नहीं है तो उनको रोजगार सृजन के संदर्भ में सकारात्मक सुझाव देने चाहिए। जिस तरह से बंदूक उठाने की भाषा बोल रही है, इसका सीधा सा अर्थ है कि वो आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करती है। सवाल मेरा आपसे ये है, तिरंगा उठाने से परहेज किया, यानी तिरंगा का पहले अपमान कर चुकी हैं, तब राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं हुआ? आज जब घाटी की फिजा में जहर घोलने की कोशिश कर रही हैं, युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रही हैं, वहां पर दंगे कराने की कोशिश कर रही हैं, तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर अब तक? निश्चित, देखिए कश्मीर के प्रशासन की जिम्मेदारी है और कश्मीर के प्रशासन ने, जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने महबूबा मुफ्ती की इन भड़काऊ बयानों का संज्ञान लेकर उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई करनी चाहिए। शालिनी, प्रेम शुक्ला जी, कार्रवाई करनी चाहिए या पहले भी कह रहे थे हाथ में तिरंगा उठा करके आप लाल चौक तक पहुंच गए थे, आपके कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए थे इतने बरसे इतिश्री, और जब पता है कि नजरबंदी के बाद भी आकलन ठिकाने नहीं आई है तो फिर क्यों खुली घूम रही है महबूबा मुफ्ती? केंद्र में तो आपकी सरकार है ना सर। लेकिन जम्मू एवं कश्मीर का प्रशासन में, जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन को निर्णय लेना है और जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन ने निर्णय लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपेक्षा ही कर सकता है, हम उनको निर्देश तो नहीं दे सकते ना। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी आप बने रहिए, कश्मीरी एक्टिविस्ट भी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो रुख उनका भी हम कर लेते हैं। सुशील पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील जी, महबूबा मुफ्ती का ये बयान आपने सुना, कश्मीर के जो युवा है उन्हें नौकरी मिल रही है, अमन चैन वहां पर कायम हो रहा है, लेकिन ये अलगाववादी नेता, इन्हें मंजूर नहीं है ये? जी बिल्कुल, इनको थोड़ा ही इसीलिए गया है कि ये फिर से आग लगाएं,
ये जब नजरबंद थे इन तब भी जाने से पहले ही ऐसी ही बातें कर रहे थे कि देश में आग लग जाएगी, उनकी नदियां बहेंगी, किसी ने 35 कैपिटल ए को छुआ भी तो पूरा का पूरा जिस्ट जल जाएगा। तब इनको नजरबंदी में भेजते वक्त गृह मंत्री ने संसद में इन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। क्या एक भी चार्जशीट इनके ऊपर जारी हुई? क्या एक भी मुकदमा इनके ऊपर चला? क्या इनको कोई सजा हुई? नहीं, इनको बिना शर्त रिहा किया गया। बाहर का जवाब ले रहे, वही जहर उगल रहे हैं। सुशील जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ, माफी चाहते हुए। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़े हैं, इसी का जवाब ले रही हूँ कि आखिर बिना शर्त जहर उगलने के लिए इनको क्यों छोड़ दिया गया? शुक्ला जी, ये जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन का निर्णय है। जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन ने ये सुनिश्चित करना है कि वो जहर उगलना उनका बंद होना चाहिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में मेरी भी यही मांग है। जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन ने उनके इन भड़काऊ बयानों को संज्ञान में लेकर वहाँ की कानून एवं प्रशासन व्यवस्था की स्थिति के लिहाज से बेहतर करने के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है सुशील पंडित जी, आप कह रहे हैं कि इन्हें खुला छोड़ा ही इसीलिए गया है ताकि ये ऐसे बयान दे। सर मुझे इसकी वजह तो बता देना, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? पहले आप लोग कह रहे थे बिहार चुनाव में फायदा होगा, अब सर आज की तारीख में ये बयान, अब कौन सा फायदा होगा? देखिए, इनकी मैं मजबूरी समझ सकता हूँ। प्रेम जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, जम्मू का प्रशासन भी भारतीय जनता पार्टी का ही है, वो केंद्र शासित प्रदेश है, उसका सीधा प्रशासन केंद्र के हाथ में है, वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र द्वारा भेजा गया है, जो मोदी जी की सरकार में मंत्री थे, पिछली सरकार में मनोज सिन्हा जी, और वो गृह मंत्रालय के निर्देशों पर ही काम करते हैं। तो इसमें फुटबॉल की तरह इसको दिल्ली से जम्मू कश्मीर, जम्मू से दिल्ली कश्मीर नहीं डाला जा सकता। नहीं सुशील जी, महबूबा मुफ्ती आपको दूध पीती बच्ची लगती है क्या? आपको ऐसा लगता है उनको जो पढ़ा दिया जाएगा वो बोल देंगी? आपको ये नजर नहीं आ रहा कि इसमें उनकी अपनी जो जमीन खो रही है, जो राजनीति उनकी खिसकती चली जा रही है, गद्दी, ये उसमें उन्हीं का बाला छिपा हुआ है? देखिए, राजनीति अपनी जगह है, उनकी राजनीति भाजपा के साथ गठबंधन सरकार में रहते हुए भी यही थी, उनके बोल बदले नहीं है। भाजपा के समर्थन से चलती हुई सरकार में भी वो यही है जहर उगलती थी, आज भाजपा के विरोध में भी यही जहर उगल रही है। भाजपा बदली है, भाजपा जवाब दे के क्या क्यों समर्थन दिया था? देश हित की बात कर रहे हैं हम, देश हित की बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं कि कैसे घाटी के अंदर अमन चैन बना रहे, किस तरह से वहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, और आप पूरे मामले को पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया सुशील जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ, और प्रेम जी आप भी जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन लक्ष्मी, ये पूरा जो नजरिया है, एंगल ही चेंज करने की यहाँ पर कोशिश की गई। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, जम्मू कश्मीर को जलाने की कोशिश महबूबा मुफ्ती आज भी कर रही है, वो अपने एजेंडे से हटी नहीं है। किस तरह से घाटी के अंदर अमन चैन है, ये बात सुलगा रही है, ये बात सुलगा रही है अंदर से महबूबा मुफ्ती को, और इसीलिए सुलगाने की कोशिश पूरी घाटी को, और इसीलिए ये बयान महबूबा मुफ्ती का आज सामने आया है। चलिए एक बार फिर से आपको सुना दे, महबूबा मुफ्ती ने आखिर कहा क्या है, गौर से एक एक शब्द को आप सुनिए। क्योंकि आपने जो एक आवाज थी तमाम आवाजों को बंद कर दिया है, आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊं तो मैं मर जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है जेल जाने से, क्योंकि बात नहीं करने देते आप किसी को।